पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा, वर्तमान आबकारी उपायुक्त सागर संभाग एवं पूर्व शराब ठेकेदार पवन कुमार जायसवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन संभाग अनिल विश्वकर्मा को शिकायत प्राप्त हुई थी कि वर्ष 2015-16 की अवधि में शराब अनुज्ञप्तिधारी पवन जायसवाल द्वारा 4,60,77,600 रुपए की पाक्षिक लाइसेंस फीस व वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान जमा नहीं किया गया। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा के संरक्षण से शासन को उक्त राशि की आर्थिक क्षति पहुंची है। प्रकरण की सत्यापन जांच उप पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तालान द्वारा की गई। जांच पर पाया गया कि राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार किसी दुकान की पाक्षिक बेसिक लाइसेंस फीस वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान बकाया रहने पर उस दुकान को आगामी पक्ष में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि दुकान की अवशेष लाइसेंस फीस वार्षिक लाइसेंस फीस जमा न कर दी जाए। उक्त ठेकेदार पवन जायसवाल द्वारा सितंबर 2015 से ही मदिरा ड्यूटी फीस समय पर एवं पूरी जमा नहीं की गई तथा कमी पेशी रखी जाती रही। यह राशि जनवरी 2016 तक लगातार बढ़ती रही। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र ठेकेदार पवन जायसवाल को दिए गए, परंतु नियमानुसार लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया। मार्च 2016 तक अवशेष राशि बढ़कर 4,60,77,600 रुपए हो गए। ऑडिट रिपोर्ट में भी इस तथ्य को रेखांकित किया गया। सितंबर 2015 से ही जब ठेकेदार द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया जा रहा था, तब भी प्रमोद कुमार झा द्वारा ठेकेदार को सपोर्ट किया गया तथा उसकी दुकान को अन्य दुकानों से मदिरा उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान कुल 75 परिवहन परमिट अन्य दुकानों से पवन जायसवाल की दुकानों को जारी कर मदिरा उपलब्ध कराई, जो सही नहीं था। इस प्रकार पद व स्थिति का दुरुपयोग कर प्रमोद झा द्वारा पवन जायसवाल के साथ षड्यंत्र कर शाखा को 4,60,77,600 रुपए की हानि पहुंचाई गई। इस कृत्य में अन्य ठेकेदार एवं आबकारी विभाग के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच विवेचना के दौरान की जाएगी।